दोस्तों, एक महिला थी जिसका नाम रेशमा होता है और रेशमा की उम्र 45 साल की थी। रेशमा आज एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने वाली थी जो उसकी उम्र से भी आधी उम्र का लड़का था। रेशमा उस लड़के को फोन करती है और थोड़ी देर के बाद वह लड़का रेशमा के घर पर पहुंच जाता है और फिर रेशमा उसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वह लड़का रेशमा के साथ संबंध बनाने लगता है और वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है, वह पहली बार में ही रेशमा की हालत खराब कर देता है। रेशमा को वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं नसीब हुआ था और लगभग एक घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध बनाते हैं और जब ये दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और इन दोनों का यह खेल लगभग एक साल तक चलता रहता है। लेकिन एक साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाओ कि ये आखिरकार हुआ कैसे और क्यों हुआ। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहेगा, साथ जुड़े रहेगा। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी जितने भी भाई बहन हैं इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियो में जल्दी ही मैं आप सभी लोगों का नाम ले सकूँ और मुझे भी खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था और उस परिवार में रेशमा नाम की एक महिला रहती थी और उसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। रेशमा का पति 5 साल पहले ही एक बीमारी के चलते मर गया था, देहांत हो गया था। उसका रेशमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रेशमा ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी और रेशमा का बेटा भी अपनी बीवी के साथ अपनी माँ के साथ ही रहता था और अपनी बेटी की भी उसने शादी कर दी थी। उसकी बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई थी और बड़े अच्छे से वहीं पर रह रही थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रेशमा का जो बेटा था बेंगलुरु कंपनी में काम किया करता था और उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। एक दिन रेशमा का बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी बीवी को बेंगलुरु लेकर जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ लेकर उसे, और वहीं साथ रखूंगा और वहीं पर उसके साथ में रहूंगा। शुरू में तो रेशमा मना कर देती है और वह कहती है कि बहू मेरे साथ ही रहेगी और मेरा मन लगा रहेगा तो अकेले ही चले जा ले। लेकिन उसका लड़का अपनी माँ की बात नहीं मानता है और वह कहता है मैं अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता हूँ। और फिर उसकी जिद के आगे रेशमा हार जाती है और वह कहती है अगर तू अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता है तो फिर ले जा, मैं अकेले यहाँ पर रह लूँगी। और फिर वह लड़का अपनी सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ बेंगलुरु चला जाता है और वहाँ पर जिस कंपनी में वह रहा करता था इस कंपनी के पास एक कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अब रेशमा अपने घर पर अकेली हो चुकी थी और घर पर रहकर ही अपने जैसे तैसे करके अपना समय जो था वह घसीट रही थी। घरों को उसको काट खाने को दौड़ रहा था। जब इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं और तरह तरह के गंदे विचार भी आते रहते हैं और रेशमा के दिमाग में भी इसी तरह के ख्याल आने लगे थे। उसके शरीर में जो काम वासना जो है वो जागने लगी थी, उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। 4 दिन तक तो वह अपने आप को बर्दाश्त करती रहती है, कंट्रोल करती रहती है, लेकिन वह जिस्म की आग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर एक प्लान सोचती है। सुबह 9 बजे के करीब वह अपने घर के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर आते जाते लड़कों को देखा करती है। दोस्तों, रेशमा रोज घर के सामने एक लड़का निकलता था और उसका नाम रहमान और उसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। रहमान पास ही की कंपनी में नौकरी किया करता था। रोज रेशमा के घर के सामने से 9 बजे जाया करता था और रेशमा को 6 बजे वह वापस आता था। रेशमा उसको देखकर हंसा करती थी, उसको इशारा भी किया करती थी। रहमान भी रेशमा को देखकर हंसने लगा और इशारे भी करने लगा। इस तरीके से लगभग 1 हफ्ते का समय जो है वो गुजर जाता है और एक दिन रहमान की छुट्टी होती है, संडे का दिन था। फिर रहमान रेशमा के घर के सामने खड़ा हो जाता है और करीब 9 बजे के अराउंड रेशमा अपने घर से बाहर निकलती है और जब अपने गेट पर पहुंचती है तो रहमान को सामने खड़ा हुआ देखती है और देखते ही बहुत खुश हो जाती है। वह रहमान को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है अगर तुमको यहाँ पर किसी ने मुझे बात करते हुए देख लिया तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुम एक काम करो मेरे घर के अंदर चलो। फिर रहमान को भी लेकर अंदर चली जाती है और एक कुर्सी पर बैठा देती है और फिर किचन में जाती है और चाय बनाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद यह कुर्सी पर बैठे चाय पीने लगते हैं। ये दोनों अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। रहमान भी अपने बारे में बताता है और रेशमा भी अपने बारे में बताती है और बातों बातों में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रहमान अपना कॉन्टैक्ट नंबर रेशमा को दे देता है और रेशमा अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसको दे देती है। फिर रहमान वहाँ से चला जाता है और फिर फ़ोन पर इनकी कई कई घंटे रोज बातें हुआ करती थी। इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और कहीं ना कहीं रेशमा रहमान से प्यार कर बैठी थी और प्यार करने लगी थी, लेकिन वह कहने से डरती थी क्योंकि रहमान को कहीं बुरा ना लग जाए। एक दिन रहमान रात के समय रेशमा से बात कर रहा था। वह उससे कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का और मुझे आपसे एक ज़रूरी भी बात करनी है।
फिर इसके बाद रेशमा उससे कहती है कि कल सुबह 9 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना। और फिर रहमान 9 बजे के करीब रेशमा के घर पर जो है वह पहुंच जाता है। रेशमा इसके लिए चाय वगैरह बनाती है, ये दोनों एक जगह बैठ कर चाय पीते हैं। फिर रहमान अपने दिल की बात रेशमा से कहता है। वह रेशमा से कहता है, रेशमा मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार का इजहार आपसे कर रहा हूँ और मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। यह बात मैं काफी दिनों से आपसे कहना चाह रहा था, छुपा के बैठा था, लेकिन आज मैं आप खुल रहा हूँ। जब रेशमा उसकी यह बात सुनती है तो सुनते ही वह बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि रेशमा तो खुद ही चाहती थी कब रहमान अपने दिल की बात उससे कहे। और फिर वह रहमान से कहती है कि यह बात भी मैं आपसे कहने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा प्यार करती रहूँगी। फिर रहमान भी जब उसकी यह बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और उसके गले लग जाता है। और थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। रहमान उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और फिर अजीब अजीब हरकत करने लगता है। रेशमा उसका कोई विरोध नहीं करती है। फिर रहमान समझ जाता है कि रेशमा चाहती क्या है। फिर रहमान रेशमा को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद उसके एक एक करके सारे कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतारना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है, इतने अजीब तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही रेशमा की हालत जो है वो अजीब हो जाती है। रेशमा को वो आनंद मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिल पाया था। और लगभग 1 घंटे तक ये संबंध बनाते हैं और जब ये दोनों थक जाते हैं तो बेड पर ही लेट जाते हैं, बातें करने लगते हैं। अब इन दोनों का यह खेल दूसरे तीसरे दिन हो चुका था। इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है और 1 साल के अंदर रहमान ने रेशमा के साथ कई बार संबंध बनाए। रेशमा के पड़ोसियों को एक दिन शक हो जाता है और कहते हैं रेशमा घर में अकेली रहती है। और एक लगभग 22 साल का लड़का रेशमा से मिलने के लिए आता है जिसका नाम रहमान है और कई कई घंटे तक उसके साथ वो रहता है, कई कई घंटे बिताता है। इसके बाद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। एक दिन रेशमा के कानों में भी भनक पड़ जाती है और पड़ोसी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर रेशमा को गुस्सा भी आ जाता है और रहमान को वह फ़ोन लगा देती है और वह उससे कहती है अभी आधे आधे घंटे के अंदर ही तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिर आधे घंटे के अंदर रहमान भी उसके घर पर जो है वह पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी। फिर रेशमा उससे कहती है बाहर पड़ोसी हम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। फिर रहमान उससे कहता है कि मैं रेशमा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रेशमा उससे कहती है कि रहमान मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। फिर रहमान जब उसकी यह बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। वह कहता है कि इसके बारे में मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। लेकिन रेशमा कहती है अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है वह यहीं पर डी एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। फिर उसके दबाव में रहमान आ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर यह दोनों तैयार भी हो जाते हैं और हाईकोर्ट पहुँच जाते हैं। वहीं पर एक वकील को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं। फिर वकील कोर्ट मैरिज के पेपर तैयार करता है और कुछ दिनों के बाद उसको बुलाता है और उनकी कोर्ट मैरिज करवा देता है। और फिर ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और अपने घर पर लौट आते हैं। फिर रहमान अपने घर पर जाता है और अपनी मम्मी पापा से यह पूरी कहानी जो है वो बैठ कर सुनाता है और मम्मी पापा से कहता है कि मैंने एक 45 साल की लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, उसको अपनी पत्नी बनाकर मिलाया हूँ। जब उसके माता पिता उसकी यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह भी दंग रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, उनको काफ़ी गुस्सा आता है रहमान के ऊपर और उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन रहमान मानता ही नहीं है। और वह कहता है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वह रहमान को गालियां देने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं और धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फिर रहमान रेशमा के घर पर चला जाता है और वहीं पर यह दोनों रहने लगते हैं। जब इसके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है और यह बात आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 45 साल की महिला अपने से आधी उम्र वाले लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती है, उसके साथ कैसे कोर्ट मैरिज कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को शर्मिंदा या आप लोगों को परेशान करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था और आप लोगों को सचेत करना था कि ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भी रहते हैं। हमारा देश किस देश में जा रहा है, हमारा देश को सुधारने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के जो लड़के हैं अक्सर वह इस तरह की गलती कर बैठते हैं जिस वजह से वह बड़ी बड़ी उम्र वाली महिलाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो फिलहाल रहमान जो है रेशमा के साथ बड़े अच्छे से इस टाइम को काट रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों की शादी को 2 साल भी हो चुके हैं और 1 साल का इनका बेटा भी है।
और अभी तक तो इन दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास नहीं आई है, लेकिन आगे क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानता है, यह तो हम भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं जानते दोस्तों। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कहानी कैसी लगी यह भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।